पाकिस्तान गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे बारे में कुछ सोचे। पेरिस बन चुका है, आपसे हमारी दरखास्त है कि आप ही हमारे बारे में कुछ सोच लीजिए। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? पिछले 5 साल से यही मुसीबत में फंसे हुए। 2 साल पहले रोड बनाया, एक दफ़ा बारिश होने से इतने बड़े बड़े गड्ढे बन गए इसमें कि रोज़ इसमें एक एक गाड़ी दो दो गाड़ियां गलती होती है। तो ये कोई इंसानियत की बात तो नहीं है? अगर थोड़ा बहुत खर्चे भी इस पर नहीं होते हैं, ये भी हमारी हुकूमत नहीं कर सकती है, तो ऐसी हुकूमत से क्या फ़ायदा? फिर हमने पीटीआई के लिए अपने जाने दिए, खेले अपने आप से, आज हमारा ये हाल है, हम कीचड़ में तरस रहे, हमारा कोई पूछता ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाके की समाजी शख्सियत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक किरदार है। मेरा नाम शेरू बंगश है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं और सिंध के शहरी हैं। ना हम कौम परस्त हैं, लेकिन जहाँ रहते हैं उस धरती की इज़्ज़त के लिए हमेशा हमने आवाज़ उठाई है। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ के यूसी चेयरमैन डॉक्टर शेर सईद, जिन्हें मजहबी वोट मिला, वरना अल्हम्दुलिल्लाह उसके अपने घर वाले भी उसको वोट नहीं देंगे, लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कि 3-4 दिन से ये साफ पानी ज़ाया हो रहा है। यहाँ के DMC के चेयरमैन जान बलोच, जो नामी ग्रामी शख्सियत हैं, लेकिन अफसोस के साथ उनको शर्म आनी चाहिए, उन्होंने अपने चमचे इस मिलों में छोड़े हैं, क्योंकि आपको पता है जिनका इक्तदार होता है वो मिलों पर भी काबिज़ होते हैं और इसी तरीके से दीगर कारोबारी तबके से उनका ताल्लुक होता है। मेरा मुतालबा है जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो सिंध गवर्नमेंट की नाअहली का नोटिस लें। इसी तरीके से जो 12 मई के ज़िम्मेदार हैं, वो आजकल कराची के मेयर बने हैं वसीम अख्तर, वो पूरी आलमी मीडिया को पता है कि उन्होंने 12 मई में कौन सा खेल खेला, उसके बावजूद उसे कराची का मेयर बनाया। और हमारी पख्तून आबादी की ये शहरें और ये जो सड़कें हैं वो सुनसान पड़ी हुई हैं, लिहाजा आप आवाम, ये लांडी के बाशऊर गैरतमंद पख्तून आवाम इस लाइव वीडियो को शेयर करें कि हकाम बाला तक पहुँचें, क्योंकि कराची में एक गुरु मुसल्लत है, वो सिर्फ अपने इलाकों का काम करती है। इंशाल्लाह हम वक्तन फवक्तन ये साथी आ जाए हैं। इन्होंने अपनी ख्यालात का इजहार किया और मोहब्बत का इजहार करके लाइव वीडियो चलाई। तमाम साथी आवाम की सपोर्ट के लिए शेयर करें। इंशाल्लाह जब भी आवाम की सपोर्ट के लिए जहां हमें जो साथी चाहे सियासी हो गैर सियासी हो हमें बुलाएँ, इंशाल्लाह हम आवाम के कराची और सिंध के सपोर्ट के लिए इंशाल्लाह इनके शाना बशाना होंगे। तमाम साथियों का शुक्रिया। अगर ये